क्या सच में राधिका के बनाए हुए पकौड़ा खाने से दिव्यम का अदास पूरी तरह से लौट जाएगा? जी नहीं, क्योंकि दिव्यम ने सिर्फ राधिका के बनाए हुए पकौड़ा को खाए हैं, और खाते ही दिव्यम वहां पर थोड़ा देर के लिए दिव्यम को राधिका के पिछला बनाए हुए पकौड़ा का बात याद तो जरूर आता है, मगर दिव्यम उस चीज को भी वहां पर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन राधिका अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रही है दिव्यम जी को खुश रखने के लिए, मगर सुजाता हर बार आ जाती है राधिका और दिव्यम के बीच में, जिससे राधिका चाह कर भी दिव्यम जी को अपना नहीं रही है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर का अगला ट्रैक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ हमें देखने को मिलने वाला है कि जहाँ पर आज राधिका दिव्यम जी के लिए पकौड़ा बनाने के लिए जब किचन में होती है और कहती है कि हमने ना पिछले बार दिव्यम जी के लिए पकौड़ा बनाई थी तो उनको बहुत पसंद आया था, जिसके बाद राधिका वहां से पकौड़ा बनाकर दिव्यम के पास आ जाती है और वहीं पर दिव्यम भी राधिका के बनाए हुए पकौड़ा में से खा लेते हैं, जिसके बाद दिव्यम को पकौड़ा बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। तभी दिव्यम भी सोचने वाले हैं कि इस पकौड़े के साथ कुछ तो जुड़ा है जो इतना स्वादिष्ट लग रहा है और मैं इससे पहले भी कहीं खाया था। तभी दिव्यम को राधिका के बारे में थोड़ा सा याद तो जरूर आता है। लेकिन दोस्तों, आप सब इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।